चलो गाइज, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड 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 इवनिंग, गुड 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 इवनिंग। चलो गुड इवनिंग, फटाफट आ जाइए। इज इट वर्किंग फाइन? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या दादा? एक बार चेक कर लो। राइट भाई, एक बार बता दो ना, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? एक बार बता दो। राइट, गुड, चलो ऑल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। गुड 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 गुड। कल हमने सेट नंबर 2 वाला किया था, राइट? बीसी के का चैप्टर नंबर 1 किया था। आज मेरा कुछ अलग मन हो रहा है। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं सेट नंबर 3 का लिया था, सेट नंबर 4 में से जाके BCK का चैप्टर नंबर 1 देखूँ, क्या बोलता है पब्लिक। सर आप वापस से गोवा? अरे कुछ भी, ये पुणे में बैठा हूँ, कहाँ से गोवा? राइट, इधर आ जाओ। सर इको का चैप्टर नंबर 2? यस, मैं बता दो ना, बता दो। मैं एक्चुअली अभी स्टार्ट करेंगे ना, कंप्लीट हो जाएगा, बट ये भी बहुत सारी चीज़ें, ये अपना ऑलमोस्ट हो गया है दिखता, इसको मैं स्किप करता हूँ। BCK का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी बहुत बार हो गया है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आज हम सेट नंबर 5 में से BCK का चैप्टर नंबर 1 है क्या इसमें? नहीं है। एक काम करता हूँ, आज मेरा मन हो रहा है सेट नंबर 1 से BCK का चैप्टर नंबर 5 करने का मन हो रहा है मेरा, ठीक है? BCK का चैप्टर नंबर 5 करने का मन हो रहा है, जिसमें अपना RBI, SEBI, CCI वो वाली चीज़ें हैं, राइट? चल आज क्या बोलती पब्लिक, रेडी हो गया? चालू करें, चालू करे क्या बाबा, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है क्या? आ जाओ कोड ले लो, आ जाओ कोड ले लो, कोड ले लो, कोड ले लो। कोड बोलता है भाई 1451468। ए बाबा क्या हो गया तेरे को? लाइट चली गई आज? आ जाएगी, 1 मिनट में आ जाएगी, ठीक है ना? कोड क्या लेंगे भाई? 1451468, ठीक है? मैंने पिन कर दिया है भाई, कमेंट कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आ जाइए फटाफट। चल गुड 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 गुड। राइट, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। राइट, दस 1451468, डन। कितने लोग जुड़ गए भाई? 165 पीपल राइट नाउ वॉचिंग लाइव, 112 पीपल ज्वाइन मेंटी। अभी मुझे ये फटाफट 150 प्लस चाहिए भाई, यहाँ पे मुझे 150 प्लस चाहिए मेंटी पे अकाउंट, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे 165 लाइव वॉच है, लाइव व्यूवर्स है, तो यहाँ पे मुझे मिनिमम 150 चाहिए, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। कोड डाल दो भाई, www.menti.com पे जाओ, 1451468 पे जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? बीसी के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे आज, ठीक है? गुड 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 गुड। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। आई नीड योर कमेंट फास्ट, कम ऑन। चलो चालू करते हैं, चलो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, डैश डैश हेल्प्स क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज। कौन कौन? बिजनेस फैसिलिटेटर, इनक्यूबेटर, कंसल्टेंट, बिजनेस मर्केंडाइजर। ध्यान से सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट छे, ये यो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छे। कौन करता है भाई? बिजनेस फैसिलिटेटर, इनक्यूबेटर, कंसल्टेंट और मर्केंडाइजर। बोलो 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 बोलो। गलती कर दी, गलती कर दी। इनक्यूबेटर है भाई साहब, जो आपको सपोर्ट करता है इन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टेक्निकल। तुमको लगा भाई साहब फैसिलिटेटर है? नहीं भाई साहब, इनक्यूबेटर है वो। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज रेफरेंस भी बताते जाता हूँ। BCK का चैप्टर नंबर 5 खोल के अभी के अभी देख लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक। टन 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 टन, क्या बोलती पब्लिक।
देखो भाई दिख रहा है क्या? देखो बिजनेस इनक्यूबेटर दिख रहा है, बिजनेस इनक्यूबेटर क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी सपोर्ट इन फाइनेंस एंड टेक्निकल। दिख रहा है पॉइंट? दिख रहा है? क्लियर हो गया? राइट, क्लियर है क्या भाई? दिख रहा है क्या सबको? देखो छोटी छोटी चीज है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, बुक में है, दिया हुआ है, दिख गया सबको? कौन सी गलती हुई वो भी समझ गई? क्लियर है? किसी को कोई वांधा नहीं? आगे बढ़े? गुड, ध्यान से रखना भाई इनक्यूबेटर, ठीक है? पॉइंट याद रखो, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अभी अभी करो गलतियां, 1000 गलतियां करो अभी चलेगा, बाद में नहीं होनी चाहिए। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो भाई देख लो, अरे बीसी के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। उप्स उप्स बोल रहा है ये ढोकला, कैसे क्या उप्स? अभी तो आ जा, क्रिएटिंग क्विज, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ऐसा मत कर रहे भाई, जल्दी ज्वाइन हो जा। ए भाई अटेंडेंस लगाओ सब लोग, ये चालू नहीं हो रहा है, सब लोग फटाफट अटेंडेंस लगाओ। 165 लोग लाइव व्यूवर्स हैं, मुझे वहां पे लाइक मतलब अटेंडेंस फटाफट चाहिए, नहीं तो लोड नहीं करेगा ये डेंजर आदमी है मेंटी वाला, वो बोलेगा मैं लोड नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इन डैश द यूनियन गवर्नमेंट इनएक्टेड द आई आई अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन है। गुड गुड, 951, वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर। सब लोगों बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमने यहाँ पे अपना वो रेफरेंस में हमने देखा भी था, यस याद आ रहा है क्या? देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन दिख रहा है क्या? ये हमने समरीज बनाई थी एलडीआर। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 948, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 951, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991। देखो एलडीआर का फायदा समझ रहा है क्या सबको? हमने हर एक पॉइंट्स के एलडीआर बनाए थे, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, ऐसे ईयर वाइज समरी बनाए थे, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बनाए थे, याद आ रहा है क्या? देखो काम आ रहा है अभी, 1951 काम आ गया, दिख रहा है? दिख रहा है? चलो गुड गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एलडीआर जैसी चीज कोई नहीं दुनिया में, राइट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाबा ऐसा टाइम क्यों लगाता है भाई, ऐसा टाइम क्यों लगा रहा है आज? पता नहीं आज कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है ये, ठीक है? डन, राइट। देखो थर्ड क्वेश्चन आ गया, चलो 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 जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फंडिंग, नॉन फंडिंग नहीं है वो बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फंडिंग, नॉन फंडिंग नहीं है। आरबीआई, सेबी, ट्राई, आईएफसीआई, ठीक है? नॉन फंडिंग नहीं है, नॉन फंडिंग नहीं है। क्या कर रहे हो? आरबीआई पैसा नहीं देती है नॉन फंडिंग, सेबी पैसा नहीं देती है नॉन फंडिंग, ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी पैसा नहीं देती है, नॉन फंडिंग ही है। तो ए बी सी तीनों की तीनों नॉन फंडिंग है, कैसे क्या कर रहे हो? कंफ्यूजिया गए हो, कंफ्यूजिया गए हो। ऐसी मत करो बाबा, ऐसी मत करो, लॉलीपॉप चीजें हैं, लॉलीपॉप, तुम लॉलीपॉप में गड़बड़ कर रहे हो। वो बोल रहा है नॉन फंडिंग नहीं है, मैं 3 बार बोला था नॉन फंडिंग नहीं है, नॉन फंडिंग मतलब फंड नहीं देता है। वो बोल रहा है नॉन फंडिंग नहीं है मतलब फंडिंग ना बाबा। देखो ना क्वेश्चन क्या था, नॉन फंडिंग आरबीआई, सेबी, सीसीआरडी, क्वेश्चन में क्लियर कर अपने चार्ट में लिखे गया था। ऐसे मत करो, पैर पड़ता हूं तुम्हारे, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए भाई साहब। सीधा सीधा फंडिंग पूछ लेते ना अक्षय देसाई, बेटा सब कुछ दुनिया में तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, करेक्ट है ना? समझे कि नहीं समझे? आईसीआई है वो, बापों का बाप, ठीक है ना? फंडिंग इंस्टीट्यूशन नाबार्ड, नाबार्ड के इसमें हमने ये पूरे इंस्टीट्यूट देखे थे, कुछ याद आ रहा है क्या? देखो 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 देखो,
हमने फंडिंग में भी समरी बना के रखा था, ये देखो डेवलपमेंट बैंक्स, IFCI, IDBI, ICICI, NABARD, देखो IFCI लिखा था हमने फंडिंग, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अभी भी आई एम शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस जब तक नहीं लगेगा मैं क्लास आगे नहीं भगाएगा, चाहे जो करना है कर लो, जाओ चाहे जो करना है कर लो, जाओ 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 जाओ, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, बट सर वहाँ तो फंडिंग होना चाहिए ना। अरे गायकवाड़ उज्ज्वला क्या बात कर रहे हो आप, क्या क्या मैं चार बार एक्सप्लेनेशन देने के बाद में भी आप चीज़ नहीं समझ रहे हो, पीछे है ना सेशन, पीछे जाके है ना देखो, मैंने अभी जस्ट चार बार जो एक्सप्लेनेशन दिया वो समझो मैंने क्या बोला अभी, ठीक है ना, चार बार वही लाइन रिपीट की बेटा, नॉट अ नॉन फंडिंग बोला, मतलब इनडायरेक्टली फंडिंग पूछ रहा था, सिंपल चीज ना भाई, अभी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या। चलो नेक्स्ट, चलो इधर आ जाओ, चलो भाई मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या आज, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर फोर बोलो, क्वेश्चन नंबर फोर बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग इंडियन बिजनेस, इंडियन बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सेस जनशक्ति योजना, सेस मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मेक इन इंडिया नॉर्मल है, नॉर्मल तुम यहां पे बनाओ, मेक इन इंडिया इज मीन्स व्हाट, मेक इन इंडिया मीन्स व्हाट, तुम यहां पर बनाएंगे समझो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बिजनेसेस जॉब क्रिएट करेंगे, हमारा यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, समझा क्या, सारी चीज का फायदा है इसलिए। गुड गुड गुड, आज तानिया, युक्ता, महक, वंशिका, हर्षा, आज भाई टॉप फाइव महिला मंडल है, ठीक है डन। हाँ मेड और मेक में कन्फ्यूजन हो गया था, यस आई नो, अभी कन्फ्यूजन क्लियर, चलो ठीक है। आचनी का प्रकोप लगा हुआ है बोलता है, द आरबीआई हैव बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर विच एक्ट, आरबीआई को कौन से एक्ट के अंडर पावर मिली हुई है, आरबीआई को कौन से एक्ट के अंडर पावर मिली हुई है, कौन से एक्ट के अंडर पावर मिली है, बोलो 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 बोलो, इनडायरेक्टली उसने ईयर पूछा, बाकी कुछ नहीं पूछा, इनडायरेक्टली उसने ईयर पूछा भाई, लॉलीपॉप बोलते हैं हम, लॉलीपॉप याद आ रहा है क्या, लॉलीपॉप बोलते हैं हम इसको, सिर्फ ईयर पूछा नथिंग एल्स, वो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उसने, सिर्फ ईयर पूछा, 1934 आरबीआई, बात खत्म, ठीक है ना, गुड नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक जल्दी आओ, ठीक है ना, गुड, महिला मंडल इज इन फॉर्म राइट नाउ, गाइस तुम लोग ठंडे सो गए क्या आज, क्या कर रहे हो, ठीक है चलो आ जाओ, गुड, प्राउड ऑफ यू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट बैंक रेट इज 6.25, आरबीआई डिक्रीज बाय 20 basis points, द न्यू रेट विल बी व्हाट, लॉलीपॉप बोलते, अगर ये नहीं आया ना फटके मारूंगा मैं, घर पे आके मारेगा मैं आज, ठीक है बोलो, आरबीआई डिक्रीज किया बाय 20 basis points, सिंपल 6.25 है, उसको 20 बेसिस पॉइंट कम किया तो 6.05, सिंपल जाले बेसिक जाले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपरा बोलता गलती से सही, मतलब अरे 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.2, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5, सिंपल, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, मतलब सही में तुमने क्लासेस में झोल झपटा किया है, पहले जाकर के क्लास देखो, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी सिचुएटेड एट, लॉलीपॉप बोलते इसको लॉलीपॉप, देखो हमने बीसी के ब्रह्मास्त्र सीरीज किया है रात को रेगुलरली, रणदी को किया हुआ ही है, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, बोलो क्या रहेगा, मिस्टेक कार्तिक बोलता आज तो मेरा भी नाम आ रहा है टॉप 10 में, गुड, कीप इट अप, मुंबई ये मुंबई एक नंबर गाइस, गुड, 85% पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, कम ऑन कीप इट अप, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, मजा आ रहा है क्या भाई, जेन्युइनली बोलना मजा आ रहा है क्या, आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सेबी हैज सेवरल फंक्शन रोल्ड इनटू वन बॉडी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन। सेबी का फंक्शन नहीं है, याद करो ये ले जा हमारी मेमोरी टेक्निक, ले जा। तो ये बोल रहा नॉट द फंक्शन, मतलब ले जा के अलावा अगर कोई है तो ढूंढो और पकड़ो और गली मारो इसको एकदम। ले जा मेमोरी टेक्निक लगाई थी ना, एक नंबर, फायदा हो रहा है क्या? देखो मेमोरी टेक्निक का फायदा, मेमोरी टेक्निक का फायदा हो गया है, सबको फायदा हो रहा है क्या? देखो आपको लॉलीपॉप क्यों लग रहा है अभी, क्योंकि आपको वो तीन बच्चे याद है, ले जा वाले याद आ रहे क्या? ठीक है ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और अपना एग्जीक्यूटिव याद आ रहा है क्या? देखो सही बोलो, फायदा हो रहा है क्या? सही में बोलो, हमने जो पढ़ाई की है वो जेन्युइनली सही तरीके से की, इसलिए तो आज ये हम इजीली क्रैक कर पा रहे, राइट? चलेगा। और जो लोग ये 10-15 जो लोगों के छोटे छोटे गलतियां हो रही है वो वापस ध्यान दो प्लीज़ गाइस, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ये जो 10-12 लोग हैं ये जो गलतियां कर रहे हैं, ए बी और डी ऑप्शन देने वाले, राइट? चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन बॉयज, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, राइट? क्या है क्वेश्चन? द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अ मेंबर ट्रिब्यूनल, सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अ मेंबर ट्रिब्यूनल, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ, मतलब कितने मेंबर है भाई इसमें? 2, 3, 4, 5, याद आ रहा है क्या? बोलो, 3, एक नंबर, वेरी गुड, ऑलमोस्ट More than 60% people has given the correct answer, right? अरे बाबा, SAT का हमने देखा था ना, याद करो SAT किधर गया अपना? सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जिसके अपील कर सकते हो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट? सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, अगर समझो सेबी ने जो ऑर्डर दिया था वो आपको मंजूर नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। देखो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं SAT में, SAT के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। देखो ना SAT में कितने, 3 मेंबर, देखो लिखा था कि नहीं लिखा था। देखो SAT, देर इज अ सिक्योरिटी अपीलेट विच इज अ 3 मेंबर, देखो 3 मेंबर ट्रिब्यूनल, दिख रहा है क्या? देखो हमने लिखा भी था ये, देखो हमने ये अपना LDR में लिखा भी था, देखो लिखा हुआ है हर एक चीज। सर सेबी के बोर्ड में कितने लोग हैं? तो वो 9 है, वो अलग चीज़ है, 9 मतलब वो उसमें देखो 1, 2, 3 वाला मेमोरी टेक्निक, वो अलग है, ठीक है ना? नेक्स्ट, गुड, मजा आ रहा है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड, आज तो मजा आ रहा है भाई, आज तो BC के चैप्टर नंबर 5 के पूरे हमने धागे दोरे खोल दिए भाई, मजा आ रहा है आज तो। आई होप सबको अपनी अपना गलतियां क्या क्या हो रही है सब समझ रहा है। कॉम्पिटिशन लॉ इज अ टूल, कॉम्पिटिशन लॉ CCI वाला पॉइंट में देखा था हमने, कॉम्पिटिशन लॉ इज अ टूल, देखो कौन सा होता है, टू इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स कॉम्पिटिशन पॉलिसी, टू प्रिवेंट एंड पनिश द एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस, टू प्रिवेंट अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। लॉलीपॉप बोलते हैं हम इसको, लॉलीपॉप बोलते हैं भाई हम इसको, लॉलीपॉप, सिंपल, लॉलीपॉप। चलो गुड, राइट, CCI के अंडर पढ़ा हुआ था हमने ये, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। द प्रीएम्बल टू द कॉम्पिटिशन एक्ट डज नॉट इंक्लूड, कॉम्पिटिशन एक्ट के प्रीएम्बल में क्या इंक्लूड नहीं है? प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, आई एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन वाला, ठीक है, टू प्रोमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन मार्केट, डू नॉट इंक्लूड। वेरी गुड, ये था ट्रिकी, इसको लो स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये था ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे लोगों के मेजॉरिटी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज वेरी गुड, बट ध्यान देना ये ट्रिकी था, इधर ध्यान रखना, ठीक है, इधर ध्यान देना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये प्रीएम्बल में नहीं है, राइट? डज नॉट इंक्लूड बोला है, ये प्रीएम्बल में नहीं है, ये गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। चलो गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जिन का सही आ रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, वो चाहिए हमें, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड अबाउट द सीसीआई. सीसीआई इज द बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सेल. सीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सीसीआई कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर. द मेंबर ऑफ सीसीआई आर अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर. ये क्वेश्चन का टाइपिंग कुछ गलत हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड अबाउट, मतलब वो कुछ तो अलग वर्ड है इसके लिए. वो बाकी अगर हम देखे जाए तो वो मतलब ये क्वेश्चन जो है खुशी चैप्टर बता दिया करो. नहीं 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 मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा. ठीक है राइट, ये चैप्टर नहीं बता दूंगा राइट. अरे एक्चुअली ये मतलब इनकरेक्ट है, वो गलती से इंक्रीज लिखा है वो. ठीक है, ये क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो वो इंक्रीज्ड वर्ड नहीं है, वो इनकरेक्ट है, वो क्वेश्चन गलत है. ध्यान से समझना, मेरी बात समझो. टाइपो के पेपर ये अपना गलती हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सीसीआई. तो पहली चीज सीसीआई देखो, ये क्वेश्चन गलत है. ध्यान से समझना, सीसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सेल. करेक्ट. CCI is established by central government. Correct. CCI consists of chairperson and six member. Correct. Correct है ना? Right. Point number 4, वो बोलता है member of CCI are appointed by minister of welfare. ऐसा कभी पढ़ा था हमने? कुछ नहीं पढ़ा था. इसलिए D is the correct answer. क्योंकि वो मतलब that is incorrect about CCI. देखो हमने CCI में भी देखा है. देखो ना, देखो. 6 लोग हैं, 1 chairperson. Correct है? देखो ना, 1 chairperson and 6 member. Total 7. समझा? ये क्वेश्चन सबको समझ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ गया? इसमें टाइपो केपिकल एरर था. टाइपो एरर था कि इंक्रीज नहीं था, वो इनकरेक्ट था. मतलब सीसीआई के बारे में ये जो चार कमेंट है उसमें से कौन सी चीज़ गलत है. सो पॉइंट नंबर लास्ट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट. इसलिए आंसर इज डी. ठीक है ना? ठीक है, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मेंबर्स ऑफ सीसीआई कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन. देखो हमने चार्ट में एलडीआर पे बना के रखा है सीजी राइट. सीजी उज्ज्वला गायकवाड़. फिर कौन अपॉइंटेड करता है? मेरे को तो फॉर श्योर लग रहा है ये उज्ज्वला, ये है ना, क्लासेस नहीं किए प्रॉपर, फॉर श्योर. देखो जिसको जो बुरा लग रहा है लगने दो. ठीक है, ये सारी चीज़ हमने एलडीआर लिख के दी है, क्लासेस में पूरा कंप्लीट गया. एक तो मुझे गारंटेड लग रहा है आपने क्लासेस आधी की है, या फिर टाइम टू टाइम नहीं किया, पूरी कंप्लीट नहीं किए, मन में आया तब किया, नहीं किया ऐसे चल रहा है आपका. ठीक है, जो डिसंबर 22 वाले लोग हैं ना, वो फॉर श्योर में अगर यहाँ पे 99% डिसंबर 22 के बच्चे, मई 23 के भी बच्चे अगर अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आपने क्लासेस अगर प्रॉपरली नहीं किया तो फॉर श्योर ये गलतियाँ कर रहे हो आप. ठीक है, ये सारी चीज़ हमने एलडीआर चिट्ठियाँ लगा के दिए, बुक में लिखा हुआ है हर एक चीज़. देखो जैसे चार्ट बना बना के दिए, फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो फिर कौन अपॉइंट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी हैव नेवर रेड इट एवर. ठीक है ना, प्लीज़ एमसीक्यू सेशन में मत आइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. सिर्फ 5 लोग भी आए जो जेन्युइन पढ़ा हुआ है वो ही आइए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप जस्ट आओ यार इधर केबीसी खेलने के हिसाब से एबीसीडी में से एच आई माता दी लेट स्टॉक, ए बाबा दाल रे भाई बी, दाल रे डाल डी, ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है राइट, मुझे ऐसा चाहिए भाई. अच्छा, मई 23 वाले स्टूडेंट्स अगर अटेंड कर रहे हैं तो जस्ट अटेंड, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है ना, तुमने देखो तुम्हारे भी सेशन मैंने ले लिए, मई 23 वाले बच्चों के भी सेशंस हो गए. जो नहीं देखे अभी तक वो प्लीज़ रिकॉर्डेड देख लेना. ठीक है, फिर ये अटेंड कर लेना. ये सब रिकॉर्डेड अपनी प्लेलिस्ट हमने बना दी यूट्यूब पे, यूनिक एकेडमी के चैनल पे, एमसीक्यू प्रैक्टिस बोल के. ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाके ये सेशंस वापस देख सकते हो. ठीक है, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, तो तुम पहले पढ़ के आओ. यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए. ठीक है, मतलब सर फिर कौन अपॉइंट करता है, जब सारी चीज़ें लिखी हुई है, डिस्कस की हुई है, फिर भी आप अगर पूछ रहे हो तो मतलब आपने लेक्चर नहीं देखे. फॉर श्योर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जिसने गारंटी से क्लास देखा वो कभी नहीं बोलेगा. राइट चल नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
डाइजेस्ट इज एन ऑटोनोमस एपेक्स सर्जरी बॉडी विच रेगुलेट्स एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया है। लॉलीपॉप बोलते हैं हम इसको, लॉलीपॉप, ये भी लॉलीपॉप। IRDAI, IRDA एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट और ट्राई, ट्राई तो है ही नहीं, टेलीकॉम का है वो, बच्चा क्या ABC, देखो खत्म करो इसको, बोलो बोलो बोलो। IRDAI राइट, बाबा ओ मेरे बाबा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, काहे कर रहे हो, बी में क्यों जा रहे हो, राइट, यस खुशी उदय सर आप MCQ पहले चैप्टर बताने को तैयारी करके आएंगे, नहीं मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा, मैं BCK के चैप्टर्स के MCQ ले रहा हूँ, कोई भी चैप्टर लूँगा, कभी भी लूँगा, ठीक है, अभी आपके पास चॉइस नहीं है, सारे चैप्टर्स हो गए, रिविजन्स हो गए, मैराथन हो गए, BCK ऑल डन, डन राइट। IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी गलती नहीं होगा, ठीक है, IRDAI, ठीक है, ठीक है बेटा, अभी अपना MCK ही चलेगा बेटा, MCQ BCK का ही चलेगा पहले, ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक्स को टच नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, डन चलेगा, इसलिए आंसर देखो क्या बोला था उसने, ऑटोनोमस अपेयर स्टेटरी बॉडी, बॉडी का नाम लिखो बोला था उसने, IRDA एक्ट कैसे क्या हो सकता है, बी क्या बॉडी है क्या, एक्ट है वो ढूंक लो, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर बॉडी क्या नाम है, बॉडी का नाम CCI है, IRDA एक्ट के अंडर बॉडी का नाम क्या है, बॉडी कौन सी बनी, बॉडी IRDAI बनी है, देखो तुम्हारी गलतियां, बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो, इतनी लॉलीपॉप चीज़ों में गलतियां कर रहे हो आप, समझा क्या, समझ रहे हो क्या, देखो अपनी गलतियां समझो, यहाँ पे 10 बार गलतियाँ करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये गलतियों से सीखो और ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस करो खुद को भाई, चलेगा, नहीं तो इतना पढ़ाई किया हुआ सब वेस्ट जाएगा, सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने को 90+ लाने के भाई, 90+ इकोनॉमी BCK में, और पॉसिबल है, पॉसिबल है, चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a development bank? NABARD, Exim Bank, SIDBI, SEBI. SEBI तो है ही नहीं, बचा क्या, तीन, तीन में से एक देखने के, खत्म, सिंपल, NABARD, लॉलीपॉप, आगे बढ़े, डाइजेस्ट इज द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ NABARD फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ SHG, ई शांति, ई शक्ति, ई एग्रीकल्चर, ई विलेज, ई शक्ति, ई एग्रीकल्चर, ई शक्ति में कंफ्यूजन हो गया तुमको, ई शक्ति और ई एग्रीकल्चर में कंफ्यूजन हो गया बेटा, ये हमने कहाँ पे बात की है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, NABARD में हमने ये आपका देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके लिए हमारा कहाँ पे गया भाई वो, एक सेकेंड, यहीं पे अपने मार्क भी किया हुआ था, जस्ट सेकेंड, हमने कहीं ना कहीं उसका ये लिखा हुआ रहेगा LDR केस में पॉइंट में, राइट, अरे वो वाला पॉइंट किधर लिखा हुआ है,
एक सेकंड रे भाई, आई गेस ये है, हमने देखा हुआ है, आई थिंक सो हमने देखा हुआ है ये। अगर बुक में नहीं है तो टेंशन मत लो, फिर आप फिर स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये हमने देखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो अभी बताया अभी मैंने आपको। डन, नहीं है ठीक है, नहीं है ठीक है, जाने दो इसको, नहीं जाने दो, ठीक है याद कर लो भाई, दिमाग में सिर्फ रहने देना ई शक्ति। ठीक है आगे बढ़ते, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। है सर बुक में, यस की शक्ति वाला, यस मैं वही बोलो, मैंने देखा हुआ लग रहा है मेरे को, अभी मिल नहीं रहा है भाई। कौन सी लाइन में यार, बताना मेरे को एक बार लाइन का, बताना भाई कहीं पे मैंने रेफरेंस ऐसे कोई एस एच ई वाला, देखो मैंने स्टार मार भी किया हुआ है यहाँ पे, मेरे को वो मिल नहीं रहा है। कौन सा है भाई, ई शक्ति वाला पॉइंट कहाँ पे है क्या? ई शक्ति वाला पॉइंट मेरे को दिख नहीं रहा है भाई एकदम से, क्या चल रहा है भाई, कौन से पॉइंट में दिखा आपको? अरे भाई तुमको कहाँ पे दिखा ई शक्ति वाला, वो बताना एक बार। लास्ट में अरे मेरे को सही में नहीं दिख रहा है, लास्ट में किधर है? अरे कौन से लाइन में है वो बोलेंगे क्या? लास्ट में, लास्ट में बोल रहा है भरत शर्मा, मुझे एग्जैक्टली बताएंगे क्या? अरे भरत शर्मा कहाँ पे देखा तेरे को, मेरे को वो लाइन बताएगा क्या? एसएचजी वाली लाइन में पता नहीं कहाँ के बोल रहे हैं, ठीक है जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जो एमसीक्यू है ना बुक के पीछे उसमें दिया है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ठीक है, नाबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल विलेज, ऑल ऑफ द बो। ये भी लॉलीपॉप, ये भी एनडीआर में बनाया। मैक पूरे आज का पूरा क्वेश्चन, मतलब जितने भी हमने कर लिए सबके सब एलडीआर के, सब हमने एलडीआर बना बना के दिया हुआ है। और जो जो बच्चे ने एलडीआर नहीं लिखे रहेंगे ना, तो भाई धन्यवाद, हाथ पैर जोड़ता हूँ आपके। आप सोच लो भाई आगे का क्या करना है, आपके हाथ में टाइम है, अभी भी सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी भी टाइम है एग्जाम को। अगर अभी भी एलडीआर एलडीआर नहीं बनाया, क्लासेस पूरे नहीं देखे, ठीक है सब सब, ये देखो एलडीआर बना के दिए थे, देखो ये एलडीआर वहाँ पे भी लिख के दिया अपन ने, ये देखो याद आ रहा है क्या, हमने नाबार्ड का सबसे पहले लिखे थे, देखो कॉटन स्मॉल विलेज दिख रहा है, कॉटन स्मॉल विलेज रूरल, देखो फोकस ऑन फोर इंडस्ट्रीज। नाबार्ड की सिर्फ ऐसी छोटी एमसी के बना के एलडीआर बना के दी थी, सब कुछ बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोलो। यस, विच सेक्शन ऑफ आई आर डी ए आई एक्ट 1999 लिस्ट डाउन द ड्यूटीज पावर एंड फंक्शन ऑफ आई आर डी ए? ठीक है, ये सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो, ये स्किप कर दो, ठीक है ये सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, डन, ये सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच, वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी सी आई? वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी सी आई? सर अ चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर, चेयरपर्सन एंड फाइव मेंबर, चेयरपर्सन एंड फाइव मेंबर, चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर। अभी ध्यान से देखना भाई, अभी तो डिस्कशन हुआ है, अभी भी अगर नहीं आया तो फटके मारेगा मैं। चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर, ठीक है, बट सिक्स शुड बी अपॉइंटेड बाय हुम? अपॉइंटेड बाय हुम? सिंपल, 134 पीपल हैव गिवन द आंसर फॉर दिस, 154 वॉचिंग ऑनलाइन। मुझे एक बात बोलो, अभी जस्ट 5 स्लाइड पहले हमने ये डिस्कस किया पूरा डिटेल में,
अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। पॉइंट नंबर डी 12 पॉइंट जो 12 लोगों ने आंसर दिया है वहां पे क्या लिखा है, अपॉइंटेड बाय आरबीआई, तो भी 12 लोगों ने उत्तर दे दिया उसको डायरेक्ट। आप नींद में हो क्या, डायरेक्टली मतलब बिना पढ़े आंसर डाल रहे हो क्या? अभी जस्ट 5 स्लाइड पहले हमने वो इंडिया ओपन करके डिस्कस किया, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी ऐसा भी नहीं कि हमने डिस्कस 5 स्लाइड पहले, हार्डली 10 मिनट्स पहले हमने वो पूरा एलडीआर ओपन करके डिस्कस किया था, किया था कि नहीं? ठीक है, अच्छा ये 15 और 7 वाले तो बाबा मैं क्या बोलूँ अभी आपके लिए, आप तो बहुत बहुत ही महान आत्मा महात्मा निकले भाई, ठीक है ना, सही में हाथ पैर मतलब सभी जोड़ लेते भाई आपका। अभी जस्ट बात हुई चेयरमैन एंड 6 पर्सन, तो भी तुमने चेयरपर्सन 5 पर्सन एंड चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स उसको बी को 15 लोगों ने आंसर दिया और सी को 7, जो 10 मिनट पहले आपको जो डिस्कस किया वो याद नहीं रह रहा है, तो फिर आप कैसे करने वाले एग्जाम तक? ठीक है, सही में बहुत मतलब गलती से अगर सर ए क्लिक करने गया बी पे क्लिक हो गया तो बात अलग है भाई, बट जेन्युइनली अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सर नहीं समझा था याद नहीं आ रहा है, तो भाई साहब सही में फिर बहुत कठिन है भाई आपका, बहुत मतलब बहुत कठिन है फिर, अगर 10 मिनट पहले बोला हुआ चीज़ याद नहीं आ रहा है तो। द चेयरमैन ऑफ सेबी इज अपॉइंटेड बाय हुम, अपॉइंटेड बाय हुम, चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। सेबी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? लॉलीपॉप है भाई ये भी, लॉलीपॉप बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप। ठीक है, सेबी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉलीपॉप। अभी भी देखो ये देखो 35 लोग, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अभी जो डिस्कशन किया है ये भी डिस्कशन हो गया था, चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बोलो, सेबी में आरबीआई का क्या 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 संबंध आएगा? आरबीआई क्यों अपॉइंट करेगा सेबी का चेयरमैन? सिली मिस्टेक, कभी कभी तो लगता है भाई मैं ही चुल्लू पर पानी लूँ और डूब मरूँ, गलती से ए दबा दिया, कैसे करता है भाई रोबिन तू, ऐसे क्यों करता है? बाद में कमेंट में लिखता है सर गलती से ए दबा दिया, कैसी क्या गलती हो सकती, इज्जत से इतना इज्जत से लिखा है, बाकी के 60-70% पीपल अगर करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो तुम्हें सर उन्होंने सेबी को SBI पढ़ लिया होगा, भगवान को मालूम, भगवान को मालूम, तुम पारसी को पेरिस पढ़ सकते, सेबी को SBI पढ़ सकते, भगवान मालिक है भाई तुम्हारा। द RBI असब द फंड ऑफ RBI वाई स्टिपुलेटिंग SLR CLR रेपो रेट बैंक रेट नन ऑफ द वो। ठीक है, RBI अपने फंड्स को स्टिपुलेट कैसे करती है? ये भी लॉलीपॉप है, ये भी हमने किया हुआ है, लॉलीपॉप है, ये भी हमने किया हुआ है, बोलो 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 बोलो, ये भी किया हुआ है, परफेक्ट 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 SLR CLR परफेक्ट डन गुड। नेक्स्ट ये भी लॉलीपॉप, चलो गुड, पूरा के पूरा आज के 25 के 25 क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट और सब LDR में से, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं, प्रॉपर। द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम RBI, बैंक RBI से बोरो कर रहा है, ठीक है, इज नोन एज, हमने बोला हुआ है ये भी, ये तो एकदम बेसिक चीज है भाई। ठीक है सर, वो विंडो स्प्लिट में है, अच्छा क्रोम इसलिए, ओके ओके ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे तो बात अलग है भाई। अक्षय भाई रेपो रेट बेसिक, अच्छा रिवर्स रेपो रेट मतलब RBI बोरोस, मतलब सरप्लस फंड अपने बैंक सरप्लस फंड RBI के पास रख रहा है तो RBI उनको ब्याज देगा, रेपो रेट में बैंक्स RBI को ब्याज देंगे, सीधी बात तो बकवास, सिंपल लॉलीपॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फायदा हो रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, चलो गलो गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 22 बोलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपायरी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, 91 डेज, 182, 364, एनी ऑफ द वो, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। टी बिल का एक्सपायरी पीरियड पूछ रहा है वो, टी बिल, ट्रेजरी बिल, टी बिल, ये भी हमने देखा हुआ है, ये भी हमने देखा हुआ है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, डिस्कशन करते वक्त ही बात हुई थी हमारी, राइट करेक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए है, एनी वन ऑफ द वो में इसका आंसर क्यों है, अभी ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना भाई। टी बिल पे जाते हैं, हम टी बिल पे जाते हैं, ठीक है, अपना RBI वाली सेक्शन में टी बिल पे जाते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड भाई, जस्ट अ सेकेंड। दो मिनट रुको भाई, दो मिनट रुको। नीड टू क्रॉस चेक, नीड टू क्रॉस चेक, जस्ट अ सेकेंड। आरबीआई में ही है वो, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट कंफ्यूज बिटवीन, मतलब 91 वाला शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जस्ट एक बार मुझे, लेट मी सी, आपके बुक में है क्या? हाँ नहीं, ये तो 90 डेज वाला जो लिखा हुआ है वो एडवांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। पॉइंट नंबर सी में सिर्फ इतना ही लिखा है, इट ऑल्सो सेल ट्रेजरी बिल, ठीक है। पीरियड आपके बुक में दिया हुआ है क्या? जस्ट वॉन्ट टू सी दैट। ठीक है, फिर वो आपको ईयर नहीं दिया है, उसको आप गोली मारो, उसको आप गोली मारो, वो एडिशनल वाली चीज़ है, उसको आप गोली मारो, छोड़ो। आपके बुक में वो सिलेबस में नहीं है, एग्जैक्ट डेज नहीं दिए हुए, छोड़ो उसको, छोड़ दो। राइट, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। राइट, नहीं दिया, मतलब छोड़ो उसको, छोड़ो, छोड़ो, टेंशन मत लो, वो नहीं है आपके इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ वो नहीं है, वो आपके इसमें क्या नहीं है, छोड़ दो उसको, डोंट वरी। अरे 91 है, मतलब अपना शॉर्ट टर्म वाला ही रहता है, इसलिए आई वॉज नॉट श्योर। मैं सिर्फ एक बार बुक में देखने गया कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। वो है ही नहीं, आपको छोड़ दो, डन। ठीक है, मतलब अप टू अ ईयर मैक्सिमम पीरियड है, जनरली इट इज़ फॉर लेसर टाइम, बट मैक्सिमम इट कैन बी डन अप टू अ ईयर। तो इसलिए 364 वाला जो पॉइंट था, इसलिए वो डी आ गया, ऑल ऑफ द वो, डन। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनल सोनी बोलती है 5.6 पेज में पॉइंट डी, अरे झंडू बाम, वो 90 डेज नहीं है, वो पॉइंट डी इज फॉर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देता है आरबीआई, वो 90 डेज के लिए देता है, वो है वो पॉइंट डी, वो टी बिल का थोड़ी पॉइंट है। मीनल सोनी जी, ऐसा कैसा करते हो, ऐसा कैसे करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी रहता तो हमारे तो दो के प्लस दो चार, चार आंखें मेरे को तभी दिख जाता था। चलो, एट प्रेजेंट इन इंडिया वी हैव डैश डैश एमएसएमई डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज 25, 28, 30, 35, ठीक है ये भी ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, छोड़ दो इसको, टेंशन मतलब। वी हैव डैश डैश एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वो छोड़ दो आपके, वो इसका नहीं है, पार्ट नहीं है, वो छोड़ो इसको, छोड़ो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नहीं है आपका, छोड़ दो, डोंट वरी। द डायग्राम इज रिगार्डेड एज द वॉटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1956, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इकोनॉमिक पॉलिसी 2015, ठीक है। वॉटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन, ध्यान से सुनना भाई, आराम से सोच समझ के लिखना। लॉलीपॉप है ये, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, मैं वापस वापस बोल रहा हूँ। 1991, मनमोहन सिंह, याद आ रहा है क्या, बोला हुआ है ये सब, डिस्कशन हुआ हुआ है, ठीक है ना। राइट, मेजर एलपीजी तब आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बात खत्म। राइट, डन। सर आकांक्षा जानते हैं सी, ए गलती से डी, ये दबा दिया, ठीक है, इट्स ओके, आंसर आ रहा था ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई साहब आज जीती है तन्या धानुका, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, तन्या, तन्या धानुका, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, प्राउड ऑफ यू माय डियर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ऐसे लगे रहो भाई, लगे रहो। चलो गुड, आज आज ऑलमोस्ट मतलब 165 पीपल अटेंडेड दिस क्विज, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, कॉपी मजे करो।
राइट राइट थैंक यू सो मच, क्लोज नाउ द, मिलते हैं कल, बाय।